फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हमने यहाँ पर कल ही अपलोड करी एक न्यू गेम की वीडियो, जो कि है हमारी मसल फाइटर्स अरेना। उसी गेम की मिलने वाली है आज आप लोगों को यहाँ पे बिगनर्स गाइड। सारे ऑप्शंस को समझाऊंगा एकदम कम्प्लीटली और एक डिटेल के अंदर। तो गाइस, सीधे चलते हम लोग यहाँ पर हमारे गेम के इंटरफेस मेन्यू की तरफ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हमारी गेम की मेन स्क्रीन पे। जब आप गेम को यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके सामने यही स्क्रीन आने वाली है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट कॉर्नर से, एक एक ऑप्शन को समझाना, फिर हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे यहाँ पर राइट साइड की तरफ, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा यहाँ पर हम किस बटन को टैप कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट है हमारे यहाँ पर टॉप लेफ्ट के अंदर जो है सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। हम लोग टैप करते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक तो है बैकग्राउंड म्यूज़िक का, कि आपको वो कम ज़्यादा करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहें यहाँ पर तो अपने आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं बैकग्राउंड की, वरना बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर कैमरा सेंसिटिविटी है। मैं इस समय यहाँ पर जिस सेंसिटिविटी से गेम को खेल रहा हूँ, वो मैंने जो नॉर्मल डिफॉल्ट जब आप गेम को डाउनलोड करते हैं जो मिलती है, मैं उससे खेल रहा हूँ यहाँ पर। फिर देख सकते हैं आपके जो यहाँ पर दूसरी साउंड है, आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। इमेज की क्वालिटी आप लोग मिनिमम कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। मैंने करी हुई है यहाँ पर इमेज क्वालिटी को मैक्सिमम, ताकि आप लोगों को भाई एकदम बेस्ट क्वालिटी मिल सके यहाँ पर वीडियो की। प्लस मैंने कर रखा है यहाँ पे वाइब्रेशन को ऑन, आप लोग चाहें यहाँ पर तो कर सकते हैं लैंग्वेज को चेंज इंग्लिश से इसके अंदर। तो आपने एक बार इसको टैप किया तो आपकी जो लैंग्वेज है यहाँ पे वो इंग्लिश से इसमें चेंज हो जाएगी। प्लस आप यहाँ पर टैप करेंगे यहाँ पर इनके ट्विटर की तरफ, तो फिर इनका जो ट्विटर हैंडल होगा आई गेस वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो गाइज, ये तो हमारी बात हो गई इस वाले सेक्शन की, ठीक है। हम लोग इसको बंद करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देख सकते हैं नेक्स्ट मिलता है आप लोग को जो ट्रॉफी का आइकन दिख रहा है, हम लोग टैप करते हैं इस पर। ओहो, लोडिंग चल रही है भाई यहाँ तो। अच्छा, रैंकिंग सिस्टम यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देखो। तो गाइस, यहाँ पे आपको मिल रही है ट्रॉफी रैंकिंग। देख सकते हैं हमारे अभी रैंक है यहाँ पर 220, और जो फर्स्ट पोजीशन पे है ये बंदा वो है जो कि वर्ल्ड वाइड इनके सर्वर्स पे टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहा है ना। हम लोग चेक करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर कितने तक आते हैं आप। तो यहाँ पर जो टॉप 15 बंदे हैं वर्ल्ड के इनकी गेम के सर्वर्स के अंदर, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे यहाँ पर, तो हम लोग कर सकते हैं भाई यहाँ पर धमाकेदार रैंक पुश, क्योंकि 220 से आएगा हम लोग 15 तक पहुँच जाएंगे कुछ टाइम के अंदर। तो अगर आप लोग यहाँ पर मज़ा आ रहा हो इस गेम को देखने में, और आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर रैंक पुश करने में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जीनो भाई ज़रा इस गेम की रैंक पुश हो ही जाए, तो बिल्कुल मिल जाएंगे आप लोग यहाँ पर इसके रेगुलर वीडियोस। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। गाइस, आ चुके हम लोग यहाँ पर वापस। थर्ड देख सकते हैं आपको दिख रहा है एक मेल का ऑप्शन है ना, इस पर हम लोग टैप करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब आप लोग टैप करेंगे यहाँ पे मेल के आइकन की तरफ, तो आपका जीमेल अकाउंट खुल जाएगा भाई। मतलब आप लोग डायरेक्टली जो इस गेम के डेवलपर्स हैं उनको मेल भेज सकते हो, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो मैंने वो सीन कट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मेरी मेल आईडी और बाकी चीज़ें आ रही थी। फिर गाइस, यहाँ पर जो आपको और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कुछ हमें घर दिख रहा है ना, इस पर टैप करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, ये इनकी शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं तीन ऑप्शन, गोल्ड शॉप है, डायमंड शॉप है और करेक्टर शॉप है। करेक्टर की स्पेलिंग गलत है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब क्या करें। ओ भाई, मारो मुझे। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। तो देख सकते हैं आप, अगर आप गोल्ड कॉइंस को लेना चाहें तो आप लोग यहाँ पर डायमंड्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। एक डायमंड पे इतने गोल्ड कॉइंस मिल रहे हैं आपको, 10 डायमंड मिलते हैं आप लोगों को 3000 गोल्ड कॉइंस, 20 डायमंड पे मिलते हैं आप लोगों को 6000 गोल्ड कॉइंस। और आप लोग जानते हैं गोल्ड कॉइंस आपको कहाँ चाहिए होंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं। तो भाई रुको, ज़रा सबर करो। और गाइस, हम लोग चलते हैं, देख सकते हैं नीचे जो आ रहा है डायमंड वाला ऑप्शन था ना हमारा, वो चेक कर लेते हैं। तो भाई डायमंड के लिए आप लोग भाई रोकड़ा खर्च करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा यहाँ पे पैसा, 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा तभी यहाँ पर काम हो पाएगा आप लोगों का डायमंड शॉप का। तो वही सब सेम है, यहाँ पर इसे बंद करते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड दिखाते हैं यहाँ पर, थर्ड था यहाँ पर करेक्टर चेंज, ये देखो। तो गाइस, ऐसा है गेम के अंदर मिलते हैं आप लोगों को टन्स ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। अब कोई करेक्टर जो है वो बैलेंस करेक्टर है, जो कि बताया था ना आपको लास्ट वीडियो के अंदर। कोई करेक्टर ऑफेंसिव है, कोई डिफेंसिव है, किसी की स्पीड अच्छी है, और कोई यहाँ पर ऐसे दौड़ेगा, मतलब जो आई गेस जो लास्ट करेक्टर है ये वाला, इसकी स्पीड भाई सबसे तेज होगी गेम के अंदर। प्लस आप लोगों को इनके जो नाम नीचे शो हो रहे हैं, एम्पोरियो हो गया, स्कॉच हो गया, एडफील्ड हो गया, एवा हो गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कि आप लोग भाई स्पीड चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को करेक्टर यहाँ पर बैलेंस चाहिए, डिफेंसिव चाहिए, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पर 5 डायमंड के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर करेक्टर अनलॉक कर सकते हैं आप लोग। सो गाइस, हम लोग चलते हैं जरा इससे आगे। नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, जो एफ लिखा हुआ है ना ऊपर पहन रखा है भाई, ताज एकदम। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे ये कि आपकी जो ओवरऑल ग्रेड होगी सर्वर्स के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे अभी एफ ग्रेड है क्योंकि हमारी जो रैंक है वो 220 है, तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। प्लस आपका जो रेट है,
मतलब आपने अब तक कितनी गेम खेली है, गेम के सर्वर्स के हिसाब से आपके भी पोजीशन क्या है वर्ल्ड वाइड, मतलब आपके जो स्टैट्स हैं वो कैसे हैं वो शो हो रहे हैं, जो लिखा हुआ है ना 25 आप लोगों का, तो ये तो पूरा सेक्शन वो वाला हो गया कि आपकी ग्रेडिंग क्या है, आप कौन से लेवल पे हैं, ये सब उसके राइट में ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, यहाँ पे चेंज कर दे सकते हैं आप लोग एक तरीके से। आप लोगों को अगर डायरेक्टली शॉप पे नहीं जाना है तो आप लोग यहाँ से भी कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पर आता है कि आपको करना है अपने कैरेक्टर का नाम चेंज, शो रहा है आप लोगों को यहाँ पे पेंसिल आइकन, इस पे आप सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे तो आप जो भी नाम सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हमने कर रखा है यहाँ पे हमारे चैनल का नाम ज़ीनोज़ोन दे सकते हैं आप लोग, सिंपली आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे आपका काम हो जाएगा। क्लिक करेंगे आप लोग ओके पे, कुछ भी आप लोग यहाँ पे कॉइन्स या फिर डायमंड्स का इसमें कुछ नहीं है भाई, सीन एकदम साफ, क्लिक किया नाम लिखा ओके किया काम खत्म। फिर जैसे नीचे दिखा आप लोगों को हमारा करेक्टर जो है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 100G एनहेंस, यानी कि इस करेक्टर को आप एनहेंस कर सकते हो, उसके लेवल को बढ़ा सकते हो, लेवल 1 से 2 हो जाएगा अगर आप यहाँ पर 100 गोल्ड कॉइन्स को यूज़ करते हैं। दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं जरा टैप करता हूँ इस पर, ये देखो हमारे यहाँ पे 100 गोल्ड कॉइन्स जो है खर्च हुए है ना, हमारे यहाँ पे हो चुका करेक्टर का लेवल 2 है ना, प्लस हमारे जो स्टैट्स थे जो उसके HP डिफेंस अटैक और स्पीड थी ये भी यहाँ पर एनहेंस हुई। अगर आपने नहीं देखी तो भाई वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो जरा 5-10 सेकंड, आप लोगों को जब मैंने लेवल चेंज किया तो आप लोगों को चेंज नज़र आएगा। तो इसीलिए फर्स्ट आप ये सोचें कि आपको कौन से करेक्टर को अनलॉक करना है, देन आप लोग यहाँ पर उसको अपग्रेड करो, वरना ऐसा ना हो ना कि आपने कर दिया कि भाई किसी फुद्दू करेक्टर को अपग्रेड और आपको उससे खेलना ही नहीं था। देख सकते हैं इसका 160 3 13 12 है और हमारा करेक्टर ये वाला 160 3 12 12, यानी कि इस करेक्टर के जो अटैक है वो 1 पॉइंट कम है। अब ये क्यों है, क्योंकि ये बैलेंस करेक्टर है ना, और जो करेक्टर था इससे पहले वाला जो लाल रंग का था वो जो थोड़ा ऑफेंसिव था, यानी कि वो करेक्टर अटैक बेस्ड था, इसलिए उसका अटैक इसका 1 पॉइंट इससे ज़्यादा था। और जबकि ये देखो हमने इस करेक्टर को अपग्रेड किया हुआ लेवल 2 पे, तब भी ये उससे 1 पॉइंट पीछे है। फिर देख सकते हैं चलते हैं हम लोग टॉप राइट पे, तो मिलता है यहाँ पे आप लोगों को डायमंड, आप लोग बाय कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली शॉप से नहीं लेना चाहते तो आप लोग यहाँ पर सिंपली टैप करें, फिर सेम गोल्ड कॉइन्स वाला ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पर कि आप डायमंड से ले सकते हैं गोल्ड कॉइन्स को। देन आपका आता है यहाँ पे स्टेटस टैप जो है, इसके अंदर आप जो भी करेक्टर लेंगे उसकी जो HP होगी, डिफेंस होगा, अटैक होगा, स्पीड आपको शो हो जाएगी यहाँ पर इजीली। देन नीचे यहाँ पर ट्रेनिंग का ऑप्शन, यहाँ पर देखो भाई ट्रेनिंग मॉड प्रिपेयरिंग, ठीक है तो यहाँ पे आ चुका आपका ट्रेनर, और देखते हैं डमी मान सकते हैं, क्लोन मान सकते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पर इसके बाद रख के पिटाई एकदम, मतलब आपके 2.5 किलो के हाथ के आप 5-5 किलो के मुक्के भी आप बरसा सकते हैं। 4 चीज़ें मिलती हैं आप लोगों यहाँ पे, अवॉइड करने का, डिफेंस करने का, skill 1 और skill 2 है ना। तो जो कलर है आप लोगों का ग्रीन वाला, ये तो है कि आप लोग जंप करते हो एकदम कूदते हो बचते हो। ब्लू कलर जो है डिफेंस, यानी कि शील्ड ऑन कर लेगा। ऑरेंज और पर्पल यानी कि skill 1 और skill 2, ये आपके अल्ट मान लो, पावर मान लो। जो पर्पल वाला यानी कि skill 2 है, ये आपका मेन अल्ट है। जो skill 1 है ये एक सिंपल पावर है आपकी, कि ये एक तरह से सर मारता है अपना जाकर, बट ये जो आपने अभी देखा ये इसकी skill 2 थी, जिसने यहाँ पे भाई ये जमीन के अंदर मुक्का मारता है और वाइब्रेशन निकलती हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल है ना। फिर रेड बटन आप लोगों का सिंपल अटैक के लिए हो चुका है यहाँ पर, तो इसको हम लोग करते हैं फिलहाल बंद। यस करते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई हमारी ट्रेनिंग खत्म करो, भाई ट्रेनिंग हो चुकी है, आपसे सिर्फ एक्शन और बूम बाम मचा है बॉयज। फिर देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बैटल का, इस पर आप लोग टैप करोगे तो आपका भाई बैटल स्टार्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। और इस गेम में अच्छी बात क्या है कि अगर मान लो आपका लेवल 2 है बट आपका अपोनेंट लेवल 8 तक का भी आ सकता है। अगर आपने चेकआउट करी होगी हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो इस गेम की, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि भाई लेवल्स तो भाई करेक्टर कैसे भी आ सकते हैं, मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि आपका खुद का गेम प्ले कैसा होता है। सो गाइज मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल करना समझा दिया इस गेम का एक एक ऑप्शन कि किस में क्या है और किसका क्या मतलब है। आप लोगों को लगी हो यहाँ पर वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को दीजिए एक लाइक, कमेंट करें कि आप लोगों को सब ऑप्शन समझ में आ गए हैं, और आप लोगों को भाई ये गेम कैसे लगी, आप लोगों ने ट्राई किया अब तक या फिर नहीं, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को ये गेम पसंद आई है, या फिर आपने उनको भेजी थी हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो ताकि वो लोग इस गेम को ट्राई कर सकें। और बॉयज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम लोग यहाँ पे बहुत नए 400 सब्सक्राइबर्स के, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं ताकि हम लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकें यार, ताकि हम लोग यहाँ पर 2 से 3 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग कर गेम्स को निपटा सके 2 से 3 के अंदर, ताकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली मूव करें नई गेम की तरफ, उनको निपटाएं फिर अगले 2-3 में लाइव स्ट्रीम करके। ऐसे तो भाई वरना बहुत टाइम लगने वाला है आप लोग जानते हैं, क्योंकि भाई गेम्स आप लोग जानते हैं अनलिमिटेड हैं भाई, डेवलपर्स ने इतनी अच्छी अच्छी गेम बना रखी हैं और भाई मुझे सब खेलनी है, आप लोगों को दिखाना है, मुझे बढ़िया बढ़िया कंटेंट देना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, इस गेम को डाउनलोड करें, साइज 40 से 50 MB है बस, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को, बहुत ही ऑसम गेम है, एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।